साथियों, आज के इस वाले वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आज आप समझ ही चुके होंगे कि आज का दोस्तों जो वीडियो है किस टॉपिक पर होने वाली है। तो गाइस, मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना लिया है, पर मैं भी यार नहीं चाहता था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। पर फिर भी यार आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम किया है और कहा है कि भाई हमको आप इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखा दो। गाइस, इस तरह का वीडियो एडिट करना बहुत ही आसान है, आप दोस्तों बहुत ही इजीली इस तरह का वीडियो एडिट कर सकते हो। तो गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूं, देन आपको वहां पर दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको यहां पर वीडियो को एडिट करना है। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो को एडिट करने के लिए मैं आज कैपकट ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। अगर साथियों आपको कैपकट का 4.4 वर्जन डाउनलोड करना है तो आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप इजीली कैपकट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उससे पहले गाइस, आप इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने इस वाले वीडियो का लिंक दे के रखा है, आपको वहाँ से इस वाले वीडियो को डाउनलोड करके सिलेक्ट करना होगा। गाइस, यहां पर आप देख सकते हो जो मेरा वीडियो है टाइमलाइन में आ चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो से ऑडियो को निकालना होगा, उसके लिए दोस्तों आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपको यहां पे नीचे में अगर देखोगे तो आपको यहां पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। देख सकते हैं दोस्तों, जो ऑडियो यहाँ पर नीचे वाले टाइमलाइन में आ चुका है। अभी आपको अपना वीडियो को प्ले करना होगा, और जहां तक गाइस ट्रेन का वीडियो है उतना आप इसका ड्यूरेशन को रखिएगा। अगर आप यहां पे देखते हो तो इतना तो ट्रेन का वीडियो है, तो वीडियो पे अभी क्लिक करके नीचे में जो स्पीड का ऑप्शन है आप इस पर सेट करके ये जो पार्ट है गाइस इसको आप यहां पे डिलीट करके हटा दीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों अभी लास्ट का जो बैकग्राउंड है इसको भी आपको यहाँ पर डिलीट करके हटा देना है। अभी आपको जो ये प्लस का मार्क दिख रहा होगा, आप इस वाले प्लस के मार्क पे क्लिक कीजिएगा, देन आप यहाँ पे वीडियो के बगल में फोटोज़ का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ से गाइस फोटोज़ वाले ऑप्शन में जाना होगा। जाकर दोस्तों यहाँ से अभी आपको अपना कुल 10 फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो को एडिट करने के लिए मैं यहाँ पर नोरा फतेही का 10 फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, मेरा यहां पे जो 10 फोटो है टाइमलाइन में आ चुका है। अगर दोस्तों आपका फोटो भी यहां पर इस तरह से एडजस्ट नहीं हुआ होगा तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो को एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के लिए दोस्तों आप फोटो पे क्लिक कीजिएगा, देन अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी फोटो को यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेनी होगी। तो गाइस, मैं जो अपने जितने सारी फोटो है उन सारी फोटो को पहले एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट जो काम है गाइस आपको आगे दिखाऊंगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने सारे फोटो को यहाँ पर फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर लिया हूँ। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों अभी आपका जो फर्स्ट फोटो है इस पर आपको क्लिक करना होगा, देन कुछ इस प्रकार से इसका जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ पर घटा के 0.6 सेकंड के लिए आप इसको कर दीजिएगा। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ पर 0.6 सेकंड के लिए हुआ है। इस तरह से आपको जितने सारी फोटो है इसके सारे फोटो के साथ यही सेम चीज़ आपको दोहराना होगा। तो साथियों, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो मैं अपने सारे फोटो का जो ड्यूरेशन है यहां पर मैंने 0.6 सेकंड के लिए कर दिया है। अभी दोस्तों आपको अपनी वीडियो को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा आप इसको फैला लीजिएगा। फैलाने के बाद दोस्तों अभी आपका जो फर्स्ट वाला फोटो है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे नीचे में आपको यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोस्तों इस वाले एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अगर दोस्तों आपका इस जगह पर नो इंटरनेट कनेक्शन दिखाता है तो गाइस सबसे पहले आपको किसी एक VPN सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो गाइस, मैं अपने यहाँ पर सबसे पहले किसी एक VPN सॉफ्टवेयर को पहले कनेक्ट करता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैंने VPN सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर लिया है। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का तीन ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर गाइस आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देख सकते हैं फर्स्ट में आपको पेंडुलम 1 दिख रहा होगा, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करें कुछ इस प्रकार से आपके फोटो के ऊपर इफेक्ट होगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट वाली फोटो में आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पेंडुलम 2 करना होगा। इस तरह से गाइस आपको एक फोटो में पेंडुलम 1, देन दूसरे वाली फोटो में आपको यहाँ पेंडुलम 2, इस तरह से अल्टा पल्टी करके आप अपने सारे फोटो के अंदर ये जो दोनों इफेक्ट है आपको अप्लाई कर देनी होगी। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो मैं अपने सारे फोटो के अंदर पेंडुलम 1 और पेंडुलम 2 का जो इफेक्ट है अप्लाई कर दिया हूँ। अभी अगर दोस्तों आप अपना वीडियो को प्ले करके देखोगे तो गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से गाइस आप इस टाइप का वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी दोस्तों आपको इस वाले वीडियो को फुल HD में सेव करने के लिए आप यहाँ पे 1080p क्लिक कीजिएगा, देन 60 FPS में आपको अपना वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेनी होगी।
तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो वीडियो का ट्यूटोरियल आपको कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी सवाल या फिर सुझाव हो तो बेझिझक आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं हो तो भाई के चैनल सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।